नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। सफेद धोती कुर्ता, सिर पर लाल टोपी और तेज साधी चाल, यही थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताजी कहलाने वाले सादगी पसंद मुलायम सिंह यादव की पहचान। वो लखनऊ की राजनीति करते थे मगर दिल्ली से परहेज नहीं था। वो साइकिल के जरिए बुलंदियों को छूते थे मगर हवाई जहाज कल्चर से दूर नहीं थे। वो समाजवाद से तप कर निकले जमीन से जुड़े नेता थे मगर बड़ी बड़ी शख्सियत से उनकी अच्छी मेल थी। मुलायम सिंह यादव की यूपी की राजनीति में एक अलग ही पहचान रही। वो जमीन से जुड़े नेता थे जिस वजह से उन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता था। आम लोगों के साथ आत्मीय कनेक्शन और खाटी समाजवाद के प्रतीक मुलायम सिंह को लोग प्यार से नेताजी भी कहते थे। मुलायम सिंह यादव ने यूपी की राजनीति ही बदल कर रख दी। उन्होंने छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखा और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वो देश के रक्षा मंत्री और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी बने। आज समाजवादी पार्टी प्रदेश की दूसरी सबसे ताकतवर पार्टी है। आपको बता दें कि राजनीति में मुलायम सिंह एक ऐसी किताब है जिसको जितना पढ़ा जाए उतना कम ही है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सफई गांव में एक किसान परिवार में हुआ। उनकी मां का नाम मूर्ति देवी और पिता का नाम सुघर सिंह यादव था। मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई स्थानीय परिषदीय स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने करहल के जैन इंटर कॉलेज से 12वीं तक पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए इटावा चले। यहाँ के KKDC कॉलेज से मुलायम सिंह ने BA किया। इटावे में पढ़ाई के दौरान जब उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली थी तो वो कुछ समय तक KKDC कॉलेज के संस्थापक हजारी लाल वर्मा के घर पर ही रहे। साल 1962 पहली बार देश में छात्र संघ चुनाव का ऐलान हुआ। यहीं से उनकी राजनीति में इच्छा जागी और वो राजनीति में कूद गए। मुलायम सिंह यादव पहले छात्र संघ के अध्यक्ष बने और युवा नेता के तौर पर उनकी पहचान बनी। मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन 1991 में जनता दल टूट गया। हालांकि 1993 में उन्होंने फिर यूपी में सरकार बनाई। ये सरकार भी मायावती के साथ टकराव के बीच कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। तीसरी बार वो 2003 में मुख्यमंत्री बने और 2007 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद फिर सपा की सरकार आई तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि साइकिल से शुरू किए सफर को मुलायम सिंह यादव ने उस मुकाम तक पहुंचाया जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर शख्सियत उनके प्रति अभिभावक का भाव रखता है। और इसके पीछे है मुलायम सिंह यादव का वो विशाल व्यक्तित्व जिसकी छाव में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने विकास के तमाम आयाम को छुए। फिर चाहे यूपी के सांस्कृतिक विकास का सफर हो या उत्तर प्रदेश को कॉरपोरेट घरानों से जोड़ने की नींव, मुलायम सिंह यादव ने वो सब किया जिसके बलबूते आज यूपी विकास की राह पर देश के बाकी राज्यों के साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर प्रतियोगिता कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज यानी कि 22 नवंबर को नेताजी की जयंती बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जन्म दिवस को 22 नवंबर को पार्टी कार्यालय के बाहर धरती पुत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेताजी के याद में स्मारक बनाने का ऐलान किया है। सफई में 22 नवंबर यानी कि आज 8.3 एकड़ जमीन पर स्मारक बनाया जाएगा। स्मारक में नेताजी के जीवन की सादगी दिखाई देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड।